लगभग 6 महीने से निकासी नाला बंद पड़ा है। ऐसे में डेंगू समेत दूसरे कीट पतंग द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। मालदा शहर के कृष्णपल्ली बापूजी कॉलोनी इलाके के लोगों ने ऐसा ही आरोप लगाया। उनका कहना है कि नाला पूरी तरह से बंद है, लेकिन नगर पालिका प्रबंधन से साफ करने का प्रयास नहीं कर रही है। वैसे में वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नाले की सफाई की जाए ताकि यहाँ पर मच्छरों का आतंक कम हो सके। इसीलिए वो लोग खुद ही उस नाले को साफ करने उतर पड़े हैं। आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि लोग खुद ही नाला साफ कर रहे हैं। अच्छा, आज दीर्घ दिन मोटामुटी 6 मास हो गया। 6 मास धरे हमारा कृष्णपल्ली बापूजी कॉलोनी ब्लू स्टार क्लाबर काछाची सब बासिंदा 29 नम्बर वार्डर बासिंदा आज दीर्घ 6 मास धरे हमारा रास्ता दिए जावा आसार प्रचंड प्रब्लेम। एखानकार जल शुकाय ना। सामने एक गार्लस हाई स्कूल आछे, गार्लस हाई स्कूल इटा निये आमरा पौरसभाते अनेक बार बोलेछि, बोलार पर आज पर्यन्त कोनो समाधान हयनि। एखन पर्यन्त आज के 6 मास पार हो गेल, आमादेर ए जे रास्ताटा आमादेर 3 नम्बर और 29 नम्बर दुटो बॉर्डर हो गए। हो जाए ना 3 नम्बर थे सुईपार आसे ना हमारे 29 नम्बर थे सुईपार आसे, जार कारण आज ड्रेनगुलाते पूरा माटी भरे गे। माटी भरे जा जल पास होते ड्रेनर क्या जल एकदम कैरि बैग ना रकम जावतियों जिनिस पड़े रास्ता बंद हो गए। जलर ये आपने देखें ये जलर परिस्थिति आज दीर्घ 6 मास धरे हमारा करोनार मध्य एत करोनार मध्य नोंरा जल दिए ड्रेनर कलो जल एकदम कलो जल और ये डेंगुर भय ईसर भय बच्चा खच्चा नहीं प्रचंड समस्या मध्य पड़े आसि। आज के क्लाबर ऐले नहीं पड़ार सबाई मिले हमें निजे उद्योग नहीं ड्रेन का परिष्कार कर जलटा जैसे बेड़ा से व्यवस्था कर। রঙ্গিত রাইস, বাংলার ঘরে ঘরে মা অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ। সবার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।